और स्वागत करता हूं अपने बसंत बिहार न्यूज़ चैनल में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग कुछ दिनों से, लगभग 15-20 दिनों से इस तरह की बारिश की वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई थी कि जो नारायणी नदी का बांध है वो टूटने टूटने के कगार पर हुआ था। जो दिन आज आ गया है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हम उस बांध पे मौजूद हैं जहाँ पे ये बांध टूटा हुआ है। जैसा कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा उस बांध का नज़ारा दिखाएं आप सभी को कि यहाँ पे देवापुर गांव है, ये वहाँ पे ये बांध पूरी तरीके से टूट चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि इस बांध को देखने के लिए आए हुए हैं। और सबसे लज्जा की बात यहाँ ये है कि यहाँ पे किसी भी तरह का शासन और प्रशासन कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये यहाँ के जो भी ग्रामीण है, इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम सर? राघव सिंह। राघव सिंह जी, ये बांध जो है कितने बजे टूटा है? ये करीब 8 बजे करीब में, 8 बजे छरकी टूटा, 1 बजे। हाँ, 1 बजे का, 1 बजे रात को वो जो छरकी है रिंग बांध, वो कितने बजे टूटा? 8 बजे टूटा है। 8 बजे, तो उसके बाद से इस पे दबाव बढ़ा होगा। हाँ, तो 1 बजे ये टूटा है। 1 बजे ये टूट गया है। और आप लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए थे 1 बजे रात को? लोग जगे हुए थे? नहीं नहीं, सब सोया था, सब आदमी सब सोया हुए थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हलचल यहाँ पे होगी। हाँ, हलचल कुछ ना कुछ, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था। और यहाँ पे जो है किसी भी तरह का शासन प्रशासन कोई आया होगा? नहीं, कोई नहीं, कोई शासन प्रशासन, कोई भी इस तरह का सरकारी कर्मी यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था? कोई नहीं है, बस इसी तरह से बहाव शुरू है। संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, प्रभात खबर के पत्रकार। संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे प्रशासनिक गतिविधि है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन तो यहाँ छरकी बांध टूटने के बाद आया था जी, लेकिन ये रिंग बांध है, जो मेन बांध, मेन बांध जी जी, मेन बांध टूटने से 10 मिनट पहले सारे के सारे भाग गए यहाँ से जी। तो भागने का क्या मतलब है? लोगों के गुस्से को झेलना पड़ेगा जी, कुछ भी हो सकता है जी, जी। इसलिए सब लोग भाग गए। आप ये बात बताइए कि बरौली में जो है ये कितने पंचायत इससे इफेक्टेड होंगे, कितने पंचायतों में ये इससे पानी है? केवल बरौली इफेक्टेड नहीं होगा जी, इससे बरौली, सिधवलिया, बैकुंठपुर के अलावे छपरा जिला भी प्रभावित हो जाएगा। छपरा जिला भी प्रभावित होगा। फिलहाल तो मान लीजिए कि इसको बांधने का कोई उपाय है नहीं, कोई उपाय नहीं है, लाखों की आबादी इससे प्रभावित होगी जी। जो कि हम लोग रास्ते में आते हुए यहाँ पे देख रहे थे कि सभी लोग जो है बांधों पे अपना बसेरा बसा रहे हैं, या लोग भागने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से। आप आइए इधर, आपका घर यहीं पे है देवापुर में? नहीं, देवापुर रूपन छाप है। रूपन छाप, तो आपके घर में भी पानी गया हुआ? नहीं, हमारे घर में नहीं, गाँव के अगल बगल में आया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपके भी घर जी, जा सकता है? जी जी, जा सकता है। वहाँ से आप लोग घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी, जो अगल बगल में है वो लोग छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। और बाकी जो हम लोग सही है अभी 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 जी, हम लोग हैं सेंटर में, हम लोग गांव के सेंटर में आए, तो इसलिए आपके जी वहाँ पे पानी नहीं जी, हम लोग को अभी दिक्कत नहीं है जी, लेकिन आने वाले दिन में हो सकता है। आ गया सर, आ गया, लेकिन बाजू में है जी जी जी, बाजू में है, लेकिन वहाँ पे आपके घर पे अभी तक नहीं आया। आपका घर कहाँ पड़ेगा? रूपन साहब पड़ेगा, रूपन। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बरौली में देवापुर का जो बांध है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, और इससे लाखों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होना पड़ेगा। और जो मुसीबतें पड़ेगी वो अलग है, और जो फसल का नुकसान होगा वो अलग है। अब देखना ये है कि यहाँ पे शासन प्रशासन की दस्तक कब तक हो पाती है। जब तक दस्तक उन लोगों की होगी, फिलहाल मैं आप लोगों को इसकी रिपोर्टिंग करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।